दांत की पीड़ा। कभी कभी मरीज डॉक्टर से मजाक करने के लिए भी आ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में नकली दांत लगाने वाली महिला कम ज्ञानी डॉक्टर को आसानी से बेवकूफ बना देती है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। रवींद्रनाथ टैगोर। सब व्यवसायों में दो व्यवसाय बहुत आसान है, नेतागिरी और डॉक्टरी। राजनीति का ज्ञान न होने पर भी लीडर बनना सरल है और कोई अपराध भी नहीं है। इसी प्रकार डॉक्टरी में भी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। उनकी बात छोड़ दीजिए जो 5-6 साल मेडिकल कॉलेज में समय बिताते हैं, किंतु जब हम देखते हैं कि किसी कॉलेज में गए बिना और बड़ी बड़ी इंग्लैंड तथा अमेरिका की पुस्तकें पढ़े बिना लोग बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और उनकी चलती भी खूब है, तब किसी कॉलेज में इतना समय बिताना व्यर्थ ही जान पड़ता है। मैंने भी डॉक्टर बनना ही अधिक उपयोगी समझा। जनता की सेवा है और पैसा अलग से मिलता है। मानवता की पीड़ा दूर करना अपने आप में पुण्य है। एक साथ 3 लाभ होते हैं, जैसे रसगुल्ला अधिक खाने से जीभ को मीठा स्वाद मिलता है, शरीर को प्रोटीन मिलता है और परोक्ष रूप से गो माता की सेवा अलग होती है। दांत का डॉक्टर बनना मुझे सबसे सरल लगा। अधिकांश किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ता। साधारण डॉक्टरी में विपत्ति यह है कि नित्य नई दवाएं निकलती रहती हैं। कहाँ तक उन्हें याद रखा जाए? और रोगों में डॉक्टर अपनी दवा भी कर सकता है, पर कोई डॉक्टर अपना दांत नहीं निकाल सकता है। सभी को मेरे ही यहाँ आना होगा, चाहे डॉक्टर हो या हकीम, सीखिया हो या भीम, बुद्धू हो या बुद्धि वाला, रेदास हो या ग्वाला। एक साल एक कॉलेज में पढ़ा और दांत निकालने की ललित कला का पंडित हो गया। कितने ही लोगों के दांत मैंने निकाल डाले। कोई भी आता, मैं दांत की दवा नहीं देता था, दवा का इंजेक्शन लगाया और दांत बाहर खींच लिया। एक दिन की बात है, मैं अपने औषधालय में बैठा था। समय 9 बजे दिन का था। एक महिला ने प्रवेश किया। मैं भाषा का विद्वान नहीं हूँ, इसलिए कह नहीं सकता कि महिला और युवती में क्या अंतर है। उसकी अवस्था 24-25 साल की रही होगी। पाठक समझ ले कि उसे क्या कहना ठीक होगा। कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, मेरे दांत में तकलीफ है। मैंने कहा, देखो, आपको जिस दांत में कष्ट हो उसे तुरंत निकलवा दीजिए। उसने बताया, मगर वह हिलता नहीं। मैं बोला, हिलता तो सेना का सिपाही भी नहीं, मगर गोली खा जाता है। उसने कहा, मेरी बात तो सुनिए, कल एक घटना हो गई। मैंने कहा, हाँ, घटनाओं को कौन रोक सकता है, हो ही जाती है, कहिए। महिला ने कहा, मैं कल रात कमरे में सोई थी, खिड़की खोलकर, आकाश में बादल छाए हुए थे, मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। मैं बोल उठा, आपकी अवस्था की महिलाएं ऐसा दृश्य अक्सर देखा करती हैं। महिला ने कहा, देखिए आप टोकिए मत, मेरी बात सुन लीजिए। मैं, आप वकील हैं? महिला, नहीं, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं जब आकाश की ओर देख रही थी तब बादलों के बीच बीच में बिजली चमक रही थी। एकाएक बादल बहुत जोर से गरजा, बिजली कड़की, करोड़ों बल्ब के समान प्रकाश हुआ, कमरे का लैंप बुझ गया, मेरे दांत पर बिजली गिर पड़ी। मैंने आश्चर्य से कहा, दांत पर बिजली गिरी? महिला ने कहा, जी हाँ, बिजली गिरी, आप समझते हैं, दांत पर घर गिरा। मैंने कहा, जी बहुत नई बात है। महिला बोली, हाँ, उस समय जान पड़ा कि किसी ने जलते हुए तार से मेरे दांत को छू दिया और जीभ पर जान पड़ा जली हुई दिया सलाई खा रही हूँ। तब से दांत जल रहा है, दांत पीला भी पड़ गया है, उस दांत से कुछ काट नहीं सकती, दांत बिल्कुल नहीं हिलता, आप अब देखिए। मैंने दांत को देखा, सारे दांत मानो किसी सांचे में ढाले गए हैं। ब्रज भाषा के दोहे के समान सुडौल, चापलूस की बात के समान चिकने और मिनिस्टर की मोटर कार के समान चमक रहे थे। मैंने चिमटी से परखा। कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने वाले उत्सुक कवि के समान जमे हुए थे। फिर मैंने प्रश्न करना आरंभ किया, कभी और आपके दांत में पीड़ा हुई थी? उसने उत्तर दिया, बचपन में कभी हुई हो, जब से होश संभाला तब से नहीं हुई।
कौन सा मंजन या टूथपेस्ट आप लगाती हैं? मैंने फिर पूछा। उसने बताया, मैं अमेरिका का बना हुआ डेंटो स्टोन लगाती हूँ और यहाँ नहीं मिलता, विशेष परमिट पर मंगाती हूँ। आपको कभी पायरिया हुआ है? इस जीवन में कभी नहीं। आपके माता पिता को कभी हुआ था? मेरे माता पिता पितामह पितामही को कभी नहीं हुआ। आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी? घर पर शाकाहारी हूँ, बाहर दोनों। आप सोने में दांत पीसती हैं? मैं दांत से तो सोना पीसती हूँ क्योंकि सोने का वर्क खाती हूँ, किंतु सोने में दांत नहीं पीसती। कम से कम नींद में सुनाई नहीं पड़ता। कहिए तो टेप रिकॉर्डर लगा कर देखूं? यह प्रयोग करने योग्य अवश्य है। आपका रोग नया है, पुस्तकों में मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं। इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। आपको इस समय एक दवा दे रहा हूँ, इससे आधे आधे घंटे में कुल्ला कीजिए, फिर जो हाल हो मुझे बताइए। महिला महोदया दूसरे दिन फिर आई और उसने बताया कि कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन भी कोई फायदा नहीं, चौथे दिन भी नहीं। मैंने तब उससे कहा, आप लखनऊ, कलकत्ता अथवा बंबई जाइए। संभव है आपको बाहर भी जाना पड़े। मैं तो यह कहूँगा कि यदि आपके पास साधन हो तो आप अमेरिका चले जाएं। शायद वहाँ किसी के दांत पर बिजली गिरी हो। मेरे विचार से तो यह संसार का पहला केस है। महिला महोदया ने कहा, तो आपके पास अब इसका इलाज नहीं है और वाराणसी डॉक्टरों से खाली हो गई। मैंने सोचा एक बार फिर चेष्टा करनी चाहिए। मैंने उन्हें दूसरे दिन बुलाया और मैं रात भर पुस्तकें देखता रहा। दांत निकालने के सिवाय और कोई दवा ना थी। दूसरे दिन जब वह आई तो मैंने कहा, दांत निकालना ही एकमात्र सूरत अब रह गई है। यदि आपको तकलीफ से छुटकारा पाना है तो दांत निकलवा दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, फिर दांत भी बन जाएगा ऐसा ही सुंदर और चमचमाता। और अगर ना निकलवाऊं तो? उसने दृढ़ता से कहा, तब इस कष्ट को पालिए, मेरे पास और कोई इलाज नहीं है। मैंने कुछ क्रोध में कहा। वह बोली, डॉक्टर को क्रोध नहीं करना चाहिए, धीरज से काम करना होता है। क्रोध से रोगी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे बहुत झुंझलाहट हो चली थी। मैंने कहा, कृपा करके आप अपना ज्ञान अपनी छात्राओं तक सीमित रखिए, मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप नहीं मानते हैं तो निकाल ही दीजिए, किंतु ध्यान रखिएगा, असफलता होगी तो जिम्मेदारी आपकी है। महिला महोदया ने कहा, असफलता कैसी? मैंने पूछा। यदि आप अपने कार्य में असफल हुए? उसने कहा। मैंने कहा, इसमें असफलता की क्या बात है, जब दांत ही नहीं रहेगा तब कष्ट किसमें होगा। उसने कहा, अच्छी बात है, निकालिए। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और इंजेक्शन की दवा सुई में भरने लगा। उसने मना कर दिया, बोली, यों ही निकाल लीजिए, इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोला, इस प्रकार तो बहुत कष्ट होगा। जब फिर उसने मना किया तो मुझे भी जोश आ गया। मैंने अपनी चिमटी को मजबूती से पकड़कर दांत खींचा। ऊपर के सारे दांत निकल आए। प्लेट में लगे हुए सारे दांत बनावटी थे। महिला मजाकिया थी।